हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरोज की मीना, निशा, रुचि, मंजू और रानी नाम की पांच बहुएं थी। वैसे तो सभी इंसान अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान को मानते हैं। कोई माता रानी को मानता है तो कोई भोलेनाथ को। लेकिन इत्तेफाक की बात तो ये थी कि सरोज की पांचों बहुएं एक ही भगवान गणेश को मानती थी, जिसके चलते वो सभी गणेश चतुर्थी मनाना चाहती थी। लेकिन सरोज इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इस मसले को लेकर एक दिन पांचों उसके पास आती हैं। माँ जी, आज तो हम आपसे जवाब लेकर ही जाएंगे। आप हमें बताइए कि आप हमें गणेश चतुर्थी मनाने देंगी या नहीं। बहू, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैंने कभी तुम लोगों को पूजा पाठ के लिए मना किया है जो आज करूँगी? ऐसा कह के मुझे क्यों पाप का भागी बना रही हो तुम सब? माँ जी, मना नहीं किया है तो हाँ भी तो नहीं किया है। जब भी हम गणेश चतुर्थी मनाने को बोलते हैं, आपकी बोलती ही बंद हो जाती है। आप हमारी बातों का कोई जवाब क्यों नहीं देती है? देखो, तुम पांचों सुबह सुबह मेरा सर मत खाओ। मैंने तुम पांचों को कभी भी पूजा पाठ के लिए मना नहीं किया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोला है कि जितने धूमधाम से तुम लोग गणेश चतुर्थी मनाने को बोल रही हो, उतनी धूमधाम से हमारे यहाँ नवरात्रि मनाई जाती है। तो तुम पांचों उस पर ध्यान दो। अजी, ये क्या बात हुई? अब जिस भगवान को मानती है उनके आने की खुशी आपको है, उनके स्वागत में आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन जिन्हें हम मानते हैं उनका कुछ भी नहीं है। ये तो गलत बात है ना माँ जी? हम सभी जेठानी जी की बात से सहमत हैं। चुप करो तुम पांचों, कब से सर खा रही हो? मैंने तुम पांचों को कुछ भी करने के लिए मना नहीं किया है, तो तुम मुझे पाप का भागी मत ही बनाओ। समझी? जाओ यहाँ से सबके सब। सुबह सुबह सर खाने आ गई पांचों। कौन सी भांग की गोली खा रखी है तुम पांचों ने? सरोज के कहने पर पांचों वहाँ से चली जाती है और किचन में काम करते हुए आपस में बात करती है। तो बताओ, अब तुम सबका क्या विचार है? अब हमें क्या करना चाहिए? जेठानी जी, विचार क्या करना है? जब माँ जी ने बोल दिया है कि वो हमें किसी चीज के लिए रोकती नहीं है, तो फिर हम सभी इस बार गणेश चतुर्थी पर अपने घर गणेश जी लेकर आएंगे और अच्छे से गणेश चतुर्थी भी मनाएंगे। एकदम सही बात बोली है जेठानी जी आपने। और अगर उसके बाद भी वो हमें कुछ बोलेंगी तो हम फिर बताएंगे उन्हें। इस बार हम उनकी एक नहीं सुनेंगे। सही बात है, हर बार उनकी थोड़ी ना चलेगी। हर बार माँ जी यही बोलती हैं कि मैंने तुम लोगों को मना थोड़ी किया है, और मना भी कर देंगी। लेकिन अगर माँ जी गुस्सा हो गई तो? जेठानी जी, आप बहुत डरती हैं। इतना नहीं सोचना चाहिए, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। हम तो पूजा पाठ के लिए ही कह रहे हैं। फिर भी माँ जी को एक बार साफ साफ बता देना चाहिए कि आप माने या ना माने, लेकिन हम तो इस बार गणेश चतुर्थी जरूर मनाएंगे। जेठानी जी, अगर हमने ऐसा किया तो हर बार की तरह इस बार भी माँ जी हमें गणेश चतुर्थी वाले दिन कहीं लेकर चली जाएंगी। इसलिए जो भी करना है वो हमें खुद ही करना होगा, वो भी बिना माँ जी को बताए। सही बात है, सब तैयारी हो जाएगी तो माँ जी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। वो भी क्या कर लेंगे उस समय। वैसे भी माँ जी कुछ दिनों के लिए चाची जी के घर जा रहे हैं। उनकी बहू को लड़का हुआ है ना, उसे ही देखने। और गणेश चतुर्थी भी उसी समय के आसपास है, तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी तैयारी में। पांचों आपस में बात करने में लगी होती हैं कि तभी सरोज अपनी नाक पर हाथ रखे वहाँ आती है और गैस पर चढ़ी सब्जी को जलते देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। कौन सी भांग की गोली खा रखी है तुम पांचों ने? क्या हुआ माँ जी? जरा अपने परपंचों से दिमाग हटाकर काम पर लगाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। एक नहीं, पांचों की पांचों किचन में घुसी हुई हो, उसके बाद भी सब्जी जल गई। उसके बाद पूछ रही हूँ तो क्या हुआ? माँ जी, माफ कीजिएगा, वो हमारा ध्यान ही नहीं गया। ध्यान तो छोड़ो, तुम लोगों के नाक में जलने की बदबू तक नहीं गई। माँ जी माफ करिए, मैं अभी दोबारा से दूसरी सब्जी बना देती हूँ। रहने दो बहू, अब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम लोगों की पंचायत पूरी हो गई हो तो कोई एक चलकर मेरा सामान पैक कर दो, मुझे शाम के बस से निकलना है। क्या, आप आज शाम को ही जा रही हो? माँ जी, तू खुश हो रही है या दुखी? माँ जी, मैं तो दुखी हो रही हूँ। आपके बिना हम क्या और कैसे करेंगे? लग नहीं रहा है तुम्हारी शक्लों को देख कर की तुम सब दुखी हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। तब तक घर का और अपना अच्छे से ख्याल रखना सब। जी माँ जी। सरोज इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, साथ ही मीना भी उसके कमरे में जाकर उसका बैग तैयार कर देती है। कुछ देर बाद सरोज शाम की बस से निकल जाती है।
पांचों की खुशी का ठिकाना नहीं होता। दिन बीतते हैं। कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद एक दिन पांचों आपस में बात करती हैं। जेठानी जी, माँ जी को गए हुए तो इतने दिन हो गए हैं, अभी तक वो नहीं आई। हमें लगता है कि वो गणेश चतुर्थी के बाद ही आएंगी। हमें उनका और इंतजार नहीं करना चाहिए पूछने के लिए। हाँ जेठानी जी, रानी ठीक कह रही है। जब वो यहाँ है ही नहीं तो फिर किस बात का डर। हमें जो करना है हम करते हैं। शायद भगवान ने इसीलिए कुछ ऐसा किया है कि जो माँ जी नहीं आ पा रही हैं, ताकि हम गणेश चतुर्थी अच्छे से मना सकें। हाँ जेठानी जी, हम पांचों बहुओं का एक भगवान होने का कोई तो फायदा हो। पांचों आपस में सलाह करके गणेश चतुर्थी की तैयारी में लग जाती हैं। अपने घर को अच्छे से सजाती हैं, नए नए कपड़े पहनती हैं। उन्हें गणेश चतुर्थी की तैयारी करते देखकर उसके आस पड़ोस वाले भी उनकी मदद करते हैं, जिसके बाद पांचों बैंड बाजे के साथ गणेश जी की मूर्ति को लेकर घर आती हैं और उनकी स्थापना करती हैं। कुछ देर बाद पांचों मिलकर गणेश जी की आरती कर रही होती हैं कि तभी सरोज घर लौटती है और घर के आगे लोगों की भीड़ और बैंड बाजा देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी वो अंदर आती है और अपने पांचों बहुओं को गणेश जी की आरती करते देखती है। आरती खत्म होने के बाद जैसे ही पांचों पीछे मुड़ती हैं, तो अपने सामने अपनी सास को देखकर डर जाती हैं। माजी, आप यहाँ? सरोज जी, आपकी बहुओं ने तो कमाल कर दिया। इस बार पहली बार ऐसा होता कि मैं गणेश चतुर्थी को पूजा नहीं कर पाता, लेकिन आपकी बहुओं ने, आपकी बहुओं की वजह से मेरी पूजा सफल हो गई। इत्तेफाक की बात है ना कि आपकी पांचों बहुओं के भगवान भी एक हैं। समधी जी, आपको यहाँ किसने बुलाया था? दरअसल इन लोगों ने घर फोन किया था गणेश चतुर्थी के फंक्शन में शामिल होने के लिए, लेकिन घर कोई था नहीं। इस वजह से मैं भी मुंबई नहीं जा पाया गणेश चतुर्थी के लिए, तो सोचा क्यों ना यहीं शामिल हो जाऊं। भगवान तो हर जगह एक ही है ना। जी बिल्कुल, अच्छा किया आपने, आप आ गए। इसी बहाने आपसे मिलना हो गया। और दामाद जी कैसे हैं? सभी ठीक है, उन्होंने भी आने के लिए बोला है। अभी तो आज स्थापना ही हुई है, अभी तो ये फंक्शन 11 दिन चलेगा, हम सब आएंगे। राजेश के साथ साथ मोहल्ले वाले भी सरोज से उसकी बहुओं की बहुत तारीफ करते हैं और मोहल्ले में पहली बार गणेश चतुर्थी का फंक्शन देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद सरोज सबसे बचकर अपनी बहुओं के पास जाती है। आखिरकार तुम सब ने अपने मन की कर ही ली, मेरी बात की तो कोई इज्जत ही नहीं रखी। माँ जी रखी, तभी तो ये सब किया। अब आप खुद ही देखिए कि इस फंक्शन की वजह से आपके समधी जी कभी आपके घर नहीं आते थे, वो भी आए हैं। जो मोहल्ले वाले कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे, वो आपके घर इतनी तारीफ कर रहे हैं और सबसे इसमें इतना योगदान भी दिया है। हमने तो सिर्फ शुरुआत करी, बाकी सब खुद ही हो गया। वैसे बात तो तुम सब सही कह रही हो, घर भी सजा हुआ है, सब खुश भी हैं, अच्छा लग रहा है। और इसी बहाने तुम पांचों बहुओं के एक भगवान की पूजा करने की इच्छा भी पूरी हो गई। अभी पूरी कहाँ हुई है माँ जी, अभी तो शुरुआत करी है। सभी लोगों को खुश देखकर सरोज भी कुछ नहीं बोलती, बल्कि अपनी पांचों बहुओं के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी की पूजा अच्छे से करती है और उनकी विदाई करवाती है। उस दिन के बाद से वो हर साल नवरात्रि के साथ गणेश चतुर्थी भी मनाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।